नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का वीडियो बनाने के पीछे का तात्पर्य अस्पष्ट है। शिवजी का हो रहा अपमान। आजकल कुछ मूर्ख अज्ञानी खुद को प्रभु श्री कृष्ण के भक्त बताते हैं, परंतु शिव का अपमान करते थकते नहीं। शिव बड़े या हरि, मूर्खता में यह प्रश्न बार बार करते रहते हैं ये अज्ञानी, जिन्हें पूर्ण रूप से न शास्त्र वेद का ज्ञान है और न ही अनुभव में इनके कुछ है, परंतु खुद को ज्ञानी समझकर टिप्पणी करने से नहीं ठगते। इन्हीं लोगों में से एक अमोघ लीला नाम के एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया पर कथावाचक हैं, जो कि बार बार कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। इनका वक्तव्य लगभग सनातनी संत और वेद शास्त्रों के विरुद्ध ही रहते हैं। आइए पहले भगवान शिव पर इनके विचार सुन लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। जो शिव तत्व है तो ये जीव तत्व जैसा नहीं है, ये भगवत तत्व भी नहीं है और ये जीव तत्व भी नहीं है, ये बीच में तत्व है। वास्तव में ये बीच का तत्व है, तो इसलिए ये जो तत्व है ये माया के परे है। वैसे तो ये तत्व ये माया के परे। सुन ही लिया होगा आप लोगों ने इस नादान को। बेसिकली प्रभु जी यह कह रहे हैं कि शिव ठीक है, मानव से तो ऊपर है, परंतु ईश्वर नहीं है। इस नादान को न ही अनुभव में कुछ ज्ञान है और न ही शास्त्रों का। जो लोग प्रभु श्री कृष्ण में, राम में और प्रभु शिव में भेद करते हैं, उनको पृथक समझने की मूर्खता करते हैं, ऐसी चेष्टा करने वाले लोग, ऐसे लोग हमेशा अप्रिय प्रतीत होते हैं। मैं कुछ टिप्पणी करूं इनके वक्तव्यों पर, उसके पहले आपको स्वामी मुकुंदानंद जी के विचार आपको सुनाता हूँ। स्वामी मुकुंदानंद जी भी इस कौन से जुड़े रह चुके हैं, इसी प्रश्न पर उनका क्या विचार है आपको सुनाता हूँ। आप तुरंत भेद समझ जाएंगे कि अमोघ लीला गलत थे या सही। आइए शांति से पहले स्वामी मुकुंदानंद जी का विचार सुन लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को और भी हमारे संतों का क्या विचार है जो सनातनी परंपरा के अग्रणी रहे हैं उनको सुनाते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। भगवान इज वन एंड एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म द्विदासे, देयर इज वन ब्रह्म, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तुर। सो देयर इज वन रुद्र, इट मींस दैट कृष्ण एंड शिव आर वन। ओके, देयर आर नो टू गॉड्स, देयर इज वन गॉड। देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वन गॉड। गॉड आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इट वुड बी अ ट्रांसग्रेशन to say one form is bigger than the other। तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा स्वामी मुकुंदानंद जी को। साथियों, शिव और कृष्ण को पृथक समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही यह प्रश्न उठता है कि शिव बड़े या कृष्ण, जबकि दोनों में कोई पृथकता नहीं है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि शिव पद कमल जिन ही रति नाही, राम ही ते सपने उन्हें सुहाई। बिन उछल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। भावार्थ यह है कि शिव जी के चरणों में जिनको आप प्रेम नहीं है, प्रभु श्री राम को वह प्राणी स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। शिव जी के चरणों में प्रेम होना ही राम भक्त का प्रथम लक्षण है। प्रभु राम को शिव समान और कोई प्रिय नहीं है। मित्रों, इस वीडियो के बनाने के पीछे हमारा किसी को अपमान करना नहीं है, अपितु हम सब सनातनी सैव वैष्णव में ना बटे, अपितु शास्त्रों से चले और खुद को ईश्वर में समर्पित करे। अपना विचार जरूर प्रकट करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्ण, जय हनुमान, जय भवानी, भारत माता की जय।